कविता जी, क्या मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिख रही है? ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है प्रोटेक्शंस की। सीट और वर्कशीट को हम किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम प्रोटेक्शन मेथड में चलते हैं कि हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। जैसे कि कोई डेटा वगैरह मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार, जैसे कि मैंने यहाँ बुक वन ही ओपन कर लिया, तो इसमें कुछ डेटा पड़ा है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस डेटा को, चार्ट को, या जो भी चीज़ डली हुई है उसको कोई चेंज ना कर सके, कोई पर्सन इसमें किसी तरह की एडिटिंग ना कर सके, इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सीट वर्कशीट प्रोटेक्शन की बात आती है तो वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए हम सीट के ऊपर जाएंगे। सीट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट, और इसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए। जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं वो पासवर्ड यहां पे डाल दीजिए। कंफर्म कीजिए पासवर्ड। पासवर्ड डालने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर में जितने भी पासवर्ड वगैरह आप डालते हो, कुछ भी डालते हो, वो रिकवर नहीं होंगे। ये सामने दिखे हुए है कि इट्स नॉट कॉल्ड रिकवर योर पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो पासवर्ड को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने हिसाब से पासवर्ड डालिए जो आप हमेशा याद रख सको। सुशील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, लग रहा है आपने हेडफोन यूज़ किया है। ओके, कोई बात नहीं, मैंने सुना है आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रही है, मुझे सुनाई दे रही है ना? तो ओके, थैंक यू। नहीं, ओपन तो होगी, अभी ओपन होगी सीट। इसमें हमें क्या कर रहा है कि पास सीट ओपन होगी, इसमें किसी तरह चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ देख पाएंगे। हाँ, कभी भी नहीं, ठीक है। वापस अगर चेंज करना है तो अनप्रोटेक्ट कीजिए और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। अब इसमें कोई चेंज कर सकते हैं। बात यहाँ पे आती है कि अगर मान लीजिए कि मुझे इसको कॉपी भी नहीं करवाना, मैं चाहता हूँ कोई इसको कॉपी भी ना कर सके। हाँ, अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, प्रोटेक्ट करने के बाद कोई पर्सन इसको कॉपी कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, इसको कॉपी भी किसी और सीट पे लेके जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको कॉपी भी ना करें। अगर हम चाहते हैं कि कोई कॉपी भी ना करे तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉपी ना कर सके तो आप एक्सेल में भी ऐसा नहीं है कि आप कॉपी को रोक सकते हो। ठीक है, कॉपी को रोकने का कोई ऐसा मेथड एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, कॉपी में अगर हम नहीं रोक सकते तो क्या है कि कॉपी करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? सिलेक्शन। जब तक हम एरिया सेलेक्ट ना करें तब तक कॉपी कैसे कर सकते हैं? बिना एरिया सेलेक्ट की कॉपी तो नहीं कर सकते हम। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि बिना एरिया सेलेक्ट किए कोई कॉपी कर ले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नहीं, जब हम पासवर्ड डालते हैं, प्रोटेक्ट शीट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू, मतलब कि यूजर्स को ये चीज़ अलाउ हो रही है कि ये काम वो कर सके। ठीक है, आफ्टर दी प्रोटेक्शन। तो इसमें जिस जिस मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं अभी क्या है कि मैं ओके कर दूँ तो मैं सेल की फॉर्मेटिंग भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर प्रोटेक्ट करूँ इस पर, प्रोटेक्ट करते समय अगर मैं इस पे कर दूं फॉर्मेट सेल, तो क्या होगा कि पासवर्ड डालने के बाद चेंज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इस पे संदीप जी क्या हुआ, आए नहीं आप? ठीक है, ओके, ठीक है, इसमें हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पासवर्ड डालते समय, जब हमने पासवर्ड डाला था तो पासवर्ड डालते समय हमने सिलेक्ट किया था फॉर्मेट सेल। तो ऐसे ही जब भी हम पासवर्ड डालते हैं तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेट सेल, जो भी फॉर्मेटिंग सेल जो भी चीज़ें हैं इसमें। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ,
तो यहाँ पे अभी चीज हो गया, आपको समझ में आ गई। अब इसमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, कि हम लॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और अनलॉक्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से अगर मैं सिलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर लूँ या इसको अनचेक कर दूँ, मतलब क्या है कि इस लॉक दो तरह के सेल होते हैं, लॉक सेल अनलॉक सेल। और क्या होते हैं मैं आपको भी समझाऊंगा, कि पहले समझिए कि सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट करता है, सेल को सिलेक्ट करने का यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ से बोलता हूँ कि अलाउ है भाई आफ्टर द प्रोटेक्शन सिलेक्ट कर सकता है, हम यहाँ से अलाउ हटा दिया कि आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। अब कहीं वो क्लिक ही नहीं कर पाएगा, कहीं क्लिक ही नहीं कर पाएगा तो सिलेक्ट क्या करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं चाहता हूं, ये समझ में आ गया आपको, कविता जी समझ में आया आपको ये? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब मैं एक चीज और करते हैं कि मैं एक सिलेक्टेड एरिया को मैं उसको कॉपी से बाहर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सिलेक्टेड एरिया का कोई कॉपी ना कर सके, सॉरी इस पे टाइप कर सके, मैं प्रोटेक्शन से बाहर रखना है कि इसमें हम काम कर सकते हैं बस कुछ टाइप टाइप नहीं कर सकते हम। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब कि इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं, बाकी जगहों पे हम टाइप वगैरह नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक सिलेक्टेड एरिया जो है, जो एक सिलेक्टेड एरिया, एक सिलेक्टेड कॉलम को हम चाहते हैं प्रोटेक्शन से बाहर रखना। तो उस केस में क्या करना है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इस पर राइट क्लिक करके। अब इसमें क्या है कि सिलेक्ट सेल जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट लॉक सेल, एक होता है अनलॉक सेल। हेलो सर, क्या हुआ, 9 बजे आने वाले थे ना? सर सुजीत बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल से, 9 बजे आपकी क्लास थी ना, 9 से 10? हाँ हाँ ठीक है ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, मतलब हर एक सेल जो हमारा होता है लॉक सेल होता है। माफ़ कीजिए कुछ फोन करने थे, बच्चों के फोन आ रहे थे ना, आपको बात नहीं फ्री हो गया, आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक सेल हमारे पास जो होता है लॉक सेल होता है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट सेल पर जाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटेक्शन में जाओगे तो लॉक्ड क्लिक है, तो जिस पे भी लॉक्ड क्लिक है वो क्या है, हमारा लॉक्ड सेल है। अगर अनक्लिक कर दूं वो लॉक्ड सेल है, ठीक है। अब जब हम पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल, मतलब कि ये पासवर्ड सिर्फ लॉक्ड सेल को ही डालता है, मतलब जिस सेल के अंदर में, जिस सेल की प्रॉपर्टी फॉर्मेट सेल की जो प्रोटेक्शन है वो लॉक्ड है, सिर्फ उसी पे पासवर्ड अप्लाई करता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इतने एरिए को राइट क्लिक करके अगर मैं प्रोटेक्ट फॉर्मेट सेल में जाके इसको अनलॉक कर दूं, तब क्या होगा कि ये येलो एरिया क्या हो गया हमारा, अनलॉक्ड हो गया। जब इसमें हम पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड डालने में क्या है, यहाँ पे क्लिक है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ द लॉक्ड सेल, मतलब क्या हुआ कि सिर्फ लॉक्ड सेल में ही पासवर्ड डालेगा, बाकी में पासवर्ड नहीं डालेगा, मतलब कि येलो एरिया जो है पासवर्ड से बाहर रहेगा। सेलेक्ट किया एंड ओके किया एंड अगेन सेलेक्ट एंड अगेन ओके। अब इसमें टाइप नहीं कर सकते बट यहां टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कि मैं इसको वाइस वर्सा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये रेड एरिया है ये सिर्फ ए प्रोटेक्टेड है, बाकी पूरा सीट अनप्रोटेक्टेड है, जस्ट इसका सीट वन का हम अपोजिट करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि हर एक सेल बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होता है, उसकी फॉर्मेट के अंदर में लॉक्ड डाला हुआ आता है। तो हम क्या करेंगे, जो ए और वन के बीच यहाँ दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हम फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और इसके लॉक्ड को अनचेक कर देंगे। जैसे लॉक को अनचेक करके ओके करेंगे तब क्या होगा कि पूरी सीट अनलॉक्ड हो गई, मतलब अगर मैं पासवर्ड डालूंगा तो हर जगह क्लिक होगा इंक्लूडिंग रेड एरिया। लेकिन मुझे रेड एरिया को तो हटाना है प्रोटेक्शन से, तो उस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इसको कर देंगे हम लॉक्ड, ठीक है ना, लॉक्ड कर दिया एंड ओके। अब ये क्या हुआ कि पूरा का पूरा सीट जो है हमारा अनलॉक्ड है,
ऐसे इतना एरिया लॉक्ड है। जब हम पासवर्ड अप्लाई करेंगे तो पासवर्ड अप्लाई करते क्या है कि पासवर्ड किस पे अप्लाई होगा, ओनली फॉर द लॉक्ड सेल जो कि हमारे रेड एरिया है। पासवर्ड डाली एंड ओके, टाइप हो रहा है बट यहाँ टाइप नहीं होगा। आया समझ में, किसी पर्टिकुलर एरिया किस तरह से आप सिलेक्शन इससे प्रोटेक्शन से बाहर रखते हैं क्या? देखिए सिलेक्शन से प्रोटेक्ट करने में सिलेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। हम सिलेक्शन करने के बाद, हम सिलेक्शन इसलिए किए थे ताकि सिलेक्टेड एरिया को लॉक्ड कर सके। प्रोटेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हाँ प्रोटेक्ट करने का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। नीचे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है कि अलाउ करो ना, जैसे मैं फॉर्मेट से अलाउ किया ना, ऐसे सारे फीचर्स है कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपके होता है कि आप चाहते हो कि नहीं कॉलम में इंसर्ट करें, रो भी डिलीट कर सके, शॉर्टिंग कर इसका सके। हाइपरलिंक मतलब नहीं समझा, अगर हाइपरलिंक बन गया है का हाइपरलिंक है ये जो है ना फंक्शन, हाइपरलिंक ई, ऊपर होता है। हाँ हाइपरलिंक इंसर्ट कर पाएगा अच्छा ये या नहीं कर हाइपरलिंक को पाएगा, यूज कर पाएगा? या तो हाइपरलिंक भी यूज कर सकता हूँ। हाँ इस सब ये इसे कुछ करेगा नहीं, ये करने की अथॉरिटी अप्लाई कर रहा है कि इसको कर सकते हो आप। जैसे आप कंपनी में क्या होता है कि आपका यूजर आईडी बन गया कंप्यूटर का, तो होता है कि सिर्फ आप एक्सेल ओपन कर सकते हो, किसी को होता है कि एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट भी आप यूज कर सकते हो, किसी को दे दिया कि आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हो, किसी को दे दिया कि आप ऑफिस का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। तो ये सारी इसे अथॉरिटी अप्लाई की, उस तरह से आप देना चाहते हो क्या क्या कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि हम लोग जैसे फॉर्म बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, जैसे नेम डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे हम मार्क्स डाल देते हैं। बकुल जी मैं सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ आ रही है। अब मेरे पास इस तरह से फॉर्म है, मैं प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ सीट में, मैं चाहता हूँ इन रेड एरिया के अलावा हम कहीं टाइप ना कर सके, जैसे कि हमने यहाँ पे किया ना कि येल्लो एरिया के अलावा कहीं हम टाइप नहीं कर पा रहे, बाकी बाकी जगह टाइप नहीं कर पा रहे, सिर्फ येल्लो एरिया पे टाइप कर पा रहे। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि बस रेड एरिया पे टाइप कर पाए। तो जब भी हम मल्टीपल सेल सेलेक्ट करना, अगर आपको इस तरह से ऐसा सेलेक्ट करोगे तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, अगर आपको सिर्फ रेड एरिया सेलेक्ट करना है तो मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने के लिए हम इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? कंट्रोल के साथ इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट सेल और इसको लॉक्ड अनक्लिक कर देंगे। तो लॉट इन तीनों का सिर्फ अनक्लिक हुआ क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। सेलेक्ट कैसे किया हमने, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते चला गया, देन ओके। उसके बाद अब मैं जब फॉर्मेट ये करूंगा माने कि प्रोटेक्ट करूंगा तो सिर्फ इन तीनों पे टाइप हो पाएगा, बाकी जगहों पे टाइप नहीं हो पाएगा। लेकिन बाकी जगहों पे हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, बाकी जगह टाइप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन सिलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा कर्सर जब यहाँ से एंटर मारूँ तो नीचे या टैब मारूँ तो आगे जाने के बजाय सीधे इस पे मूव करें, देन यहाँ से यहाँ मूव करें, ठीक है? तो उस केस में क्या करेंगे हम, जब हमने यहाँ पे सिलेक्शन रिमूव करने के लिए क्या किया था, हमने सिलेक्शन रिमूव करने के लिए जब हमने प्रोटेक्ट किया था तो प्रोटेक्ट करते समय हमने इन दोनों जो सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल की जो अथॉरिटी थी, इस अथॉरिटी को हटा दिया था। तो सीट 5 में मुझे भी ये करना है, लेकिन प्रोटेक्ट सीट करते समय मैं पिछले में दोनों हटा दिया था, लेकिन मुझे यहाँ पे इन तीनों पे रखना है। इन ये तीनों सेल कौन सा है, अनलॉक सेल है, तो मैं यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट लॉक सेल की अथॉरिटी हटाऊंगा और अनलॉक सेल की रहने दूंगा। अब मैं पासवर्ड डाल के, यहाँ पे पासवर्ड डाल के ओके करूंगा तो मेरा कर्सर इन तीनों के अलावा कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ इन तीनों पे ही रहेगा। आया समझ में? चलिए इसको और बेटर तरीके, चलिए थोड़ा बेटर से और बेटर तरीके से समझाता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग टाइप करते हैं, मान लो एक डेटा एंट्री आप लोग टाइप करें, जैसे नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया, अमाउंट हो गया, इसके बाद यहाँ पे हो गया इसका माने कि टोटल, टोटल के बाद आपका हो गया यहाँ पे टैक्स, टैक्स पर हो गया कमीशन, कमीशन के बाद हो गया यहाँ पे कॉस्ट,
कॉज के बाद में यहाँ डाल दिया डेट, सॉरी यहाँ पे लिख दिया डेट और यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइम, ठीक है। तो नेम मैंने यहाँ पे दिया, मैंने यहाँ पे दिया नेम मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा क्वांटिटी और जो है ये तो मल्टीप्लाई, जैसे कि मान लो किसी की एंट्री होती है, तो जैसे लिखा रवि, रवि ने 10 पीस बेचे हैं 55 रुपए के हिसाब से, इसका टोटल टोटल कितना हुआ 10 × 55, ठीक है। इस पर हमने 12% 36% का क्या निकाल दिया परसेंटेज, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 12.36% तो पता चल गया टैक्स कितना है। फिर मुझे इसका 2% कमीशन भी निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2% कमीशन निकल गया। कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया मैंने, इसको प्लस इसको कर दिया। अभी चार कॉलम क्या है हमारा, चार कॉलम फॉर्मूले से आते हैं, तो मैंने इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दिया ताकि सब में फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम, जो भी डेट होता है वो डेट डालते हैं और जो टाइम होता है हम उस टाइम को यहाँ पे डालते हैं। अब जब नया एंट्री करना होता है क्या होता है, जैसे मैं मान लो मनोज का एंट्री कर रहा हूँ, मनोज, तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, यहाँ पे मेरा पे ये डाला है एमआरपी जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे हम एंटर मारते हैं, यहाँ पे टैब मारते हैं, तो यहाँ पे कर्सर जाता है, फिर मुझे चार कॉलम बाद यहाँ जाके फिर डेट और टाइम, यहाँ पे मुझे टाइम डालने पड़ते हैं, समझ गए। तो चार एंट्री और दूसरा चीज़ है फॉर्मूला भी सर कोई देख ले पा रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला ना देख सके, मतलब कि कर्सर जब यहाँ से मैं एंटर करके यहाँ मारूँ सीधे कर्सर यहाँ पे जंप होना चाहिए, इन दोनों पे कर्सर सेलेक्ट होनी चाहिए। इसके दो फायदे होंगे, एक तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं देख पाएगा और दूसरा हर एंट्री करते समय मुझे 4 सेकंड बचेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी क्या हम जानते हैं कि हर एक सेल का फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्शन में लॉक पे क्लिक होता है और पासवर्ड डालने के बाद इस पर टाइप करना है मुझे, तो उसको इस लॉक को हटाना होगा। तो मैंने पूरे सीट को सिलेक्ट किया, कहाँ से ए और वन के बीच में यहाँ जो लोग जगह जगह होता है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट हो गया। देन राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ से लॉक्ड को अनचेक कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि अब मैं पासवर्ड डालूंगा तो हर किसी पे टाइप कर सकता हूँ पासवर्ड डालने के बाद भी, लेकिन मुझे इस एरिया पे टाइप नहीं करने देना है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल और फिर इसमें वापस लॉक्ड को हटा दिया, लगा दिया सॉरी। अभी क्या हुआ कि पूरे सेल में, पूरे सीट के अंदर कॉलम डी ई एफ जी के अलावा हर सीट अनलॉक्ड है, उस पर पासवर्ड डालने के बाद भी हम कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं। अब मैं इसमें करता हूँ प्रोटेक्ट शीट और फिर इसमें हम पासवर्ड डाल देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ पासवर्ड डालने के बाद इसको कोई इन तीनों एरिया पे सिलेक्ट कर सर भी ना जाए। तो यहाँ से क्या है, यूजर की अथॉरिटी होती है कि आप आफ्टर द प्रोटेक्शन क्या क्या काम कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों को सिलेक्ट ना कर पाए कोई, तो यहाँ से सिलेक्ट लॉक सेल को यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ अनलॉक सेल को हम यहाँ रहने देते हैं, देन ओके। वापस पासवर्ड कंफर्म किया, देन ओके, ठीक है। अभी क्या है कि इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर क्लिक कर पा रहा हूँ। अब एक नया एंट्री करता हूँ, मैंने डाला उदय, उदय डालने के बाद मैंने यहाँ पे मत डाल दिया, यहाँ पे मैंने मार पी डाल दिया। अब जैसे टैब एंटर मारूंगा तो सीधे कर्सर आगे जाएगा, तो मेरे 4 सेकंड बच गया और इस पर हमने डेटा एंट्री कर दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि खाया तो ये तो कर्स, ये तो एक तो हुआ कि मेरा टाइम बच रहा है मोमेंट में, और दूसरा हमारा फॉर्मूला सेफ है और कोई फॉर्मूला भी नहीं देख पा रहा है। आया समझ में एग्जाम्पल आप लोगों को, सुशील जी अगर डाउट हो तो इसमें चैट फैसिलिटी भी है, आप चैट पे आके भी कुछ बताओ, मैंने पूछ सकते हो। हाँ सुशील जी सुन बोल रहे हैं, हाँ आप सुन, अभी सुन पा रहा हूँ, लेकिन आवाज भी स्लो आ रही है आपकी, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। कविता जी कोई डाउट है आपको, ओके। बकुल जी आपको ठीक है ना, ओके आगे चलते हैं। तो
प्रोटेक्ट करना जरूरी है, विदाउट प्रोटेक्ट ये सारे एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अब दूसरा ये है कि अभी इसको कोई कॉपी करके कहीं ले जाएगा तो इसकी फॉर्मूला इसके साथ जरूर जाएगी, देखो और यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे पासवर्ड अप्लाई करना है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा फॉर्मूला देख ना पाए, ना कॉपी करके कहीं ले जाए तो उसका फॉर्मूला ना जाए, पेस्ट एज ए पिक्चर जाए, सॉरी पेस्ट एज ए वैल्यू जाए, फॉर्मूला किसी कीमत पर देख पाए हो। तो जितने एरिया का फॉर्मूला आपको हटाना है उस एरिया को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल करते समय जहाँ पे लॉक्ड देखा था ना वहीं पे क्या है आपका हिडन है, हिडन पे क्लिक कर दो, देन ओके करो, फिर इसमें आप पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड डाला एंड ओके। अभी क्या है कि यहाँ पे कर आपको ऊपर दिख रहा है बट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। अगर कोई इसको कॉपी करके कहीं और ले भी गया तो पेस्ट एज वैल्यू होगा, देखिए फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, फॉर्मूला आप नहीं शो करना चाहते। हाँ ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि मैं चाहता हूँ एक ही सेल पे अलग अलग पासवर्ड, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पासवर्ड, जैसे अभी मैंने आपको इसे दिखाया था सीट वन में दिखाया था कि मैं सिर्फ इतने एरिया को प्रोटेक्ट कर रखा हूँ, मैं इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि एरिया तो प्रोटेक्ट रहे, ऐसे ऐसे 5-7 एरिया है वो प्रोटेक्ट रहे लेकिन अलग अलग पासवर्ड से रहे, तो उस केस में हम उतने एरिया हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले मैं दो एरिया भी डिफाइन करता हूँ, दो अलग अलग एरिया, तो मैं इस एरिया को सेलेक्ट करूंगा और उसके लिए आप जाइएगा रिव्यू के अंदर, रिव्यू में आपके पास होता है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, इस पर क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड डाल दीजिए, एक के लिए हो गया, फिर वापस न्यू पे क्लिक कीजिए और इस पे आके आप दूसरा एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, हाँ फिर इसका अलग पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड कंफर्म कीजिए, देन ओके। अभी क्या है कि रेंज वन एंड रेंज टू दो आपने डिफाइन किया, दोनों का अलग अलग पासवर्ड हो गया, इसके परमिशन परमिशन आपको तो समझ में नहीं आएंगे, अलग हमने यहाँ पे पासवर्ड डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कीजिए एंड ओके कीजिए। हाँ सर, हाँ सर, क्या पूछ रहे हैं, सुन नहीं पाया मैं आपका। अभी क्या दिख रहा है आपको, तो अभी क्या दिख रहा है आपको, नहीं आपने मिनिमाइज कर दिया है, वहाँ देखिए वहाँ होगा नीचे टास्क बार में, देखिए गो टू मीटिंग का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो, हाँ सीट प्रोटेक्ट करने की जरूरत तो सर पड़ेगी ही पड़ेगी, आप प्रोटेक्ट सीट पे जाइए और यहाँ पे पासवर्ड डाल के तभी एप्लीकेबल होगा, आप एप्लीकेबल ही नहीं है तो आप टाइप कर सकते हो, दोनों में टाइप कर सकते हो, कहीं भी टाइप कर सकते हो, ये एप्लीकेबल तब होगा जब इसमें पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड तो डालना ही है, नहीं ये पूरी सीट के लिए है। ठीक है, अब जब पासवर्ड जब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ना, देखो सुनो, जब आप टाइप करोगे ना तो पासवर्ड मांगेगा आपसे, जो मैं रेंज में जो पासवर्ड डिफाइन किया है ना वो पासवर्ड कब मांगेगा, जब मैं टाइप करूंगा, टाइप करने की कोशिश की यहाँ पे पासवर्ड मांग दिया, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के ओके किया तो मैं सिर्फ इस पर टाइप कर सकता हूँ, इस पर नहीं या फिर बाकी एरियो पर नहीं, जब मैं इस पर टाइप करने जाऊँगा तो इसका एक अलग पासवर्ड मांगेगा, फिर मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड डालूंगा तो मैं इस पर क्लिक टाइप कर पाऊंगा, ये कब तक कर पाऊंगा, जब तक कि मैं रीओपन ना करूँ फाइल को, रीओपन करूंगा वो आगे वापस पासवर्ड मांगेगा। हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप, हाँ
हाँ सही बोला आपका। बकुल जी क्या आपको स्क्रीन नहीं दिखा अभी तक? बकुल जी क्या कंप्यूटर स्क्रीन दिखा आपको मेरी? आपको समझ में आ गया कविता जी? ओके, वो मिनिमाइज कर दिया होगा आपने। ओके मैम ये बताइए कि बिना ताला खोले घर के अंदर घुस सकते हैं आप? सिंपल सा लॉजिक लगाइए ना, कि आप बोलो कि मैं ताला पहले मार देता हूँ, बाद में किसी ने गैस बंद करूंगी। ये ऐसा नहीं हो सकता ना। उसी तरह से अगर अगर आपने अगर पासवर्ड डाल दिया तो अंदर तो घर जाने नहीं देगा, कुछ करने ही नहीं देगा। पासवर्ड डालने का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने कि कुछ लिमिटेड एक्सेस आपको देके बाकी सारे फीचर्स को डिसेबल कर देता है। जो एक्सेस है आपके पास वो तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज करने का एक्सेस आपको अलाउ नहीं किया रहा है, ठीक है ना। तो अभी जो नया नेक्स्ट जो मेरे पास चीज आती है वो ये चीज आ रही है कि मैं चाहता हूं, अभी क्या है? हमने सीट के अंदर तो बदर पासवर्ड डाल दिया। अगर सीट को डिलीट करना है मुझे, तो कोई डिलीट करना है किसी को, तो सिलेक्ट करेगा और सीधे डिलीट मार देगा यहाँ से, सीट डिलीट। मान लीजिए कि कोई बंदा आया यहाँ पे, आया अब यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा है, उसे क्लिक नहीं हो पा रहा है, वो क्या करेगा? इसको कॉपी करेगा, नई सीट इंसर्ट करेगा, इसको पेस्ट करेगा और इसको लेकर डिलीट मार देगा। अब ये आ गया आपके पास, अब इस पे वो काम करेगा वो। हाँ, तो क्या सीट जो हमने प्रोटेक्ट किया, सीट के अंदर की चीजें हुई ना। जैसे आप एक सेफ के अंदर है, आपके मान लो एक सेफ है, सेफ के अंदर ताला मारते हो, तो सेफ के अंदर की चीजें प्रोटेक्ट होती है। सेफ प्रोटेक्ट थोड़ी होता है, कोई सेफ को राजा देके जा सकता है। हाँ, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपके पास क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आइए, उस पर पासवर्ड डालिए, देन ओके कीजिए, कंफर्म कीजिए पासवर्ड को। अब यहाँ पे आपका सीट इंसर्ट डिलीट सारे जो एक्शन है वो आपके डिसेबल हो जाते हैं। हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ, वर्कबुक में अभी क्या हुआ है कि वर्कबुक का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो गया। मैं कोई सीट ना इंसर्ट कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ, ना रिनेम कर सकता हूँ, ना हाइड अनहाइड कुछ नहीं कर सकता हूँ। सारा आर्किटेक्चर हमारा प्रोटेक्ट हो गया है। अब बात आती है कि फिर भी फाइल को कोई ओपन करके इसको देख सकता है। अब ये फाइल रीड ओनली मोड में हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई इस फाइल को देख ही ना सके। जैसे ही ओपन करे, ओपन करते उसको सबसे पहले पासवर्ड मांगे। अगर वो पासवर्ड डाले तो फाइल को ओपन करने दे, पासवर्ड ना डाले तो फाइल ओपन ना करने दे। तो अगर आपके पास फाइल बिल्कुल नई है, न्यू फाइल है, उसको करना चाहते हो, तो जब उसको आप सेव या सेवेज करते हो, उस समय जैसे आपके पास विंडो खुल के आता है, सेव एज करते हो ना फर्स्ट टाइम, सेव एज डेस्कटॉप पे चाहे किसी और लोकेशन पे, तो यहां पे आता है ना, तो यहीं पे आपके पास टूल्स होता है। टूल्स पे जाइए, जनरल ऑप्शन, उस पे आप पासवर्ड डाल दीजिए, ओपन एंड मॉडिफाई, दो पासवर्ड डाल सकते हो। ओके कीजिए, अगेन कंफर्म कीजिए पासवर्ड को, दोनों अलग अलग पासवर्ड डाल सकते हो, एंड ओके एंड सेव। हाँ हेलो बोलिए। देखिए, बैकअप का ऑप्शन ये होता है कि जब फाइल आप जब किसी भी फाइल को जब काम करते हो ना आप, तो काम करते समय क्या होता है कि आपका फाइल एक बैकअप क्रिएट करता है, ऑटो रिकवर्ड बैकअप जिसको बोलते हैं। नहीं, सॉरी, माफ कीजिए, मैं गलत बता रहा हूँ। बैकअप का मतलब ये हुआ कि
कि आपके सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम बैकअप होता है, शायद आप लोग यूज नहीं करते होंगे। सिस्टम बैकअप क्या करता है कि आपके पूरी सिस्टम को बैकअप करके एक एक सब एप्लीकेशन होता है जिसके अपने पास स्टोर करते रहता है। जब कल के डेट में अगर सिस्टम को आपको फॉर्मेट या अपडेट से अपडेट करना है तो उस बैकअप तो अपडेट कर दीजिए, उस बैकअप की पेज फाइल कॉपी कर लीजिए, सेकेंड टाइम उस बैकअप को रन कीजिए, जो एप्लीकेशन जो चीज़ें जहाँ थी वहीं पर वापस आ जाएगी, तो सेम फाइल भी उस बैकअप की कैटेगरी में आ जाता है। फाइल प्रोटेक्ट हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जब मैं इसको सेवेज करता हूँ ना, सेवेज करने के बाद प्रोटेक्ट डेस्कटॉप पे गया, तो इसमें जब यहाँ पे करते हैं ना जनरल ऑप्शन पे क्लिक किया तो वहाँ पे क्या ऑलवेज क्रिएट ए बैकअप, मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो क्या करे, क्योंकि ओपन करने का पासवर्ड आपने डाल दिया, तो पासवर्ड डालने से पहले 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 ही फाइल को बैकअप में जाके भेज दे, बैकअप वाले एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दे, समझ गया ना। लेकिन एप्लीकेबल कब होता है, जब आप बैकअप के बैकअप का सॉफ्टवेयर जो आपके विंडो का होता है उसको रन कर रखते हो, आपके इस एसेसरीज में आई थिंक बैकअप होता है, इसमें इसी में होता है आई थिंक क्रिएट बैकअप। एक्सपी में तो हुआ करता था, मैं एक्सपी में कई बार यूज भी किया था, यहाँ पे आता है सिस्टम टूल्स में, ये आपका है ना डिस्क क्लीन अप करेक्टर कंप्यूटर, ये रहा ना डिस्क मैनेजमेंट इंटरनेट सिस्टम मॉनिटर, इसी में आपका आता है सिस्टम टूल्स के अंदर ही आता है बैकअप का। हाँ इसी में आता है, इसी में बैकअप आता है, विंडो 8 में तो आता है, अब इसमें पता नहीं चल रहा है, इसी में बैकअप आता है, क्रिएट बैकअप इसको बोलते हैं। ये मैं सर्च कर लेता हूँ, मैं यार ना बैकअप एंड रिस्टोर, बैकअप योर कंप्यूटर आ रहा है ना, तो इसमें हम शेड्यूल लगा देते हैं ना कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम है डेट एंड टाइम पे ऑटोमेटिक बैकअप होते जाए। तो बैकअप में ऐसा है कि फाइल आपको वापस मैंने फोल्डर में जाकर कॉपी पेस्ट करता है, अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है, जब वापस चाहिए तो जहां पे फाइल पहले थी वहीं पे वापस भेज देता है, तो उसके लिए होता है। चलिए तो बेसिकली इसको छोड़िए, यहां पे क्या है कि पासवर्ड टू ओपन एंड मॉडिफाई, मैंने ओके किया एंड सेव करके सेव कर दिया मैंने, अब इसके बाद अब मैं इस फाइल को बंद करें, तो जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो ओपन करने से पहले पासवर्ड मांगेगा, अगर मैं पासवर्ड दूंगा तो मुझे ओपन करने देगा, अभी यहां पे दूसरा पासवर्ड पूछ रहा है, अगर मैं दूसरा पासवर्ड डालूं तो मुझे इसको ओपन करने देगा किसमें, एडिट मोड में। अगर दूसरा पासवर्ड मुझे नहीं याद है या नहीं पता है तो उसको आप रीड ओनली में ओपन कर सकते हो, रीड ओनली क्या होगा फाइल आपका सेव नहीं होगा लेकिन बाकी पूरा नॉर्मल फाइल की तरह काम कर सकते हो, तो डेटा आपका सेव नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास बताइए काम कर सकते हैं लेकिन सेव ही नहीं होगा ना, मैं जो ओरिजिनल डेटा तो अपडेट ही नहीं होगा, हाँ उसको सेवज करना पड़ेगा आपको। दूसरा कि अगर आपकी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप उसको सेवेज करके नई कॉपी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अगर नई कॉपी बनाते हो तो उसका होता है कि आपके डेटा वेटा लॉस्ट हो जाता है, या फिर जो लिंक जैसे पीवर्ड का लिंक है, बहुत सारे डेटा जैसे लिंक है वो लिंक टूट जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसका बैकअप इसका सॉरी इसका सेवेज ना करना, तो विदाउट सेवेज किए भी आप पासवर्ड डाल सकते हो। कैसे, आप इन्फो में आइएगा, यही पे आपको दिखेगा प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में आप देखिए यहाँ पे होता है एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, अगर 2010 एंड 13 आपके पास है तो यहां पर आप ला सकते हो, अगर 2007 आपके पास है तो 2007 में भी आपको सेम फीचर्स है लेकिन लोकेशन अलग है, वो आपको यहां प्रिपेयर के अंदर में एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट इससे पासवर्ड ला सकते हो। तो इससे पासवर्ड लाने के समय आपको सेव एज करने की जरूरत नहीं है, बट इसमें सिर्फ आप पासवर्ड ओनली फॉर ओपन का डाल सकते हो, मॉडिफाई का नहीं डाल सकते हो, मॉडिफाई का पासवर्ड डालना है तो सेव एज करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले मैंने बता दिया आपको कि पासवर्ड रिकवर नहीं हो सकते, लेकिन मान लीजिए कि आपको सीट पे पासवर्ड आपने डाल दिया और आपको पासवर्ड ब्रेक करना है, मैंने पासवर्ड डाल दिया मुझे इस पासवर्ड को ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने इसको करने का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसके जरिए आप इसको इस पासवर्ड को तोड़ सकते हो, गूगल पर सर्च मारोगे तो बहुत सारे मिल जाएगा, जैसे कि मैंने एक मुझे चाहिए
तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक पासवर्ड का होता है, एडिन्स होता है, तो उस एडिन्स को एडिन्स में डाल के हम इसका यूज कर सकते हैं। तो एडिन्स में मैंने यहाँ डाल रखा है, ये रहा पासवर्ड रिमूवर, मैं डाउनलोड किया था इंटरनेट से, एक से फीचर नहीं है, मैं इंटरनेट से डाउनलोड किया था, फिर मैंने एडिन्स में इसको डाल दिया एंड ओके कर दिया। अभी क्या है कि अभी सी पे कुछ काम नहीं करने दे रहा है ना, मैं यहाँ पे एडिन्स में देखिए एक नया कॉलम बन जाएगा एडिन्स का आपका। इसमें आपके यहाँ पे मंत्र आ गया, मैं इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा सर, दोबारा एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। दोबारा कोई एक्सेल ओपन कर दिया हमने, इसमें नहीं आ रहा है। मेरा माय मंत्रा गया है, लग रहा है मैं डिलीट कर दिया होगा इसलिए ऐसे नहीं आ रहा है। यहाँ पे आता है इसको अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। रखिए आप समझो कि ऐसा नहीं कि सारे पासवर्ड को रिमूव भी कर देता है, कुछ ऐसे पासवर्ड को रिमूव नहीं करता है। तो प्रोटेक्शन मेथड आप लोगों को समझ में आ गई किस तरह से हम प्रोटेक्ट करते हैं सीट को। हेलो, सर होता क्या है कि अगर आपने सीट के अंदर पासवर्ड डाल रखा है तो उस पासवर्ड को रिमूव करना है आपको। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या है ना कि इंटरनेट पे जाके बहुत सारे पैसे होते हैं, एडिन्स होते हैं, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एडिन्स डाउनलोड करना है, कर लिया है, उस एडिन्स को पहले आपको लोड करना होता है। एक्सेल ऑप्शन में जाइए, एक्सेल ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ एडिन्स होता है और इस एडिन्स में गो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप ब्राउज कीजिए उस पर्टिकुलर एडिन्स फाइल को। तो मेरा एडिन्स फाइल जो है आई थिंक डाउनलोड में है, ये रहा पासवर्ड आ रहा है। इस तरह के एडिन्स आपको डाउनलोड करने होते हैं, गूगल पर सर्च कीजिए आ जाएगा और आप ओके कीजिए। ओके करते ही ये आपको लास्ट में एडिन्स का कमांड बना देते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप वहाँ से पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं बना रहा है वो, ये कुछ प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम में, इसका आंसर नहीं बना पा रहा है। जैसे मेरे पास दो दो एप्लीकेशन एक साथ डले हुए हैं ना, फिर वहाँ पर जाके इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। तो मेरे एक्सेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे पास दो दो एप्लीकेशन डाला हुआ है ना, इस कारण से मैं 2017 13 भी दोनों डाल रखा हूँ ना। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ। तो इनक्रिप्ट ये था ना कि आपको पासवर्ड डालनी हो कि फाइल को बिना ओपन किया पासवर्ड डाला, सॉरी फाइल को बिना सेव किया आप ओपनिंग पासवर्ड डालना चाहते हो, तो उस केस में आप अगर 2013 है तो आप यहाँ पे चले जाओ इन्फो के अंदर में, वर्कबुक प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसमें आएगा आपको एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए, आपका फाइल ओपनिंग पासवर्ड लग जाएगा, लॉक हो जाएगा। बिना फाइल पासवर्ड डाले हुए फाइल को ओपन ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ, लेकिन सेव एज में दो चीजें होती है, एक तो आपकी नई फाइल होनी चाहिए तभी सेव कर सकते हो ना, दूसरा क्या, अगर सेव पुरानी फाइल करोगे तो आपको सेव एज करना पड़ेगा एक अलग नाम से, अलग फाइल से, अलग लोकेशन से, या फिर उसी फाइल को, पुराने वाली फाइल को ओवरराइट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर उस पर्टिकुलर फाइल से आगे चल के अगर आप ऑटोमेशन करेंगे तो बहुत सारे लिंक विंक लग जाते हैं, तो वो लिंक ओवरराइट हो जाएंगे सारे। तो उस केस में हम प्रिपेयर बार एज करते हैं, प्रिपेयर में एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट होता है उससे करते हैं, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? तो कल हम डेटा हैंडलिंग की क्लासेस को करेंगे, आज हमने प्रोटेक्शन मेथड की। मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है आप लोगों को भेज देता हूँ मेल पे, आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी
हर क्लास में जितनी भी क्लास है सारे क्लास रिकॉर्ड होता है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको हर क्लास के बाद भेजता हूँ। तो एक क्लास मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपको मैं भेज देता हूँ आपकी मेल पे। ओके बाय, गुड नाइट। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा।